हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश कुमार यादव। मैं आज आपके लिए मैथ के कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो रेलवे और एसएससी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, पहला क्वेश्चन। एक उपहार बॉक्स में 10 छल्ले होते हैं। पहली 4 रिंगों का औसत वजन 45 ग्राम और बाकी 6 रिंगों का औसत वजन 46 ग्राम, तो कुल छल्लों का औसत भार। तो पहले 4 का हो जाएगा 4 × 45 ग्राम। तो 4 को 45 से मल्टीप्लाई करने पर 180 ग्राम। 6 का कितना हो जाएगा, 6 × 46। छह से 6 36 का 6, हासिल की 3, 6 चौका 24 और 3 27, 276 ग्राम। दोनों को जोड़ने पर 6 7 और 8 15 का 5, हासिल की 1, 4 456। 456, 6 और 4 10, कितनी रिंगी होंगी, 10 का, तो 10 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 45.6 ग्राम। आगे देखिए स्टूडेंट्स, दूसरा क्वेश्चन। एक बल्ब उत्पादक कंपनी ने पाया कि कुल उत्पादक का 11% दोषपूर्ण है। यदि गैर दोषपूर्ण उत्पादों की संख्या 7031 है तो 100 में से कितने खराब आए, 11%, तो कितने सही थे, 89%। तो 89 का कितना मूल्य है, 7031 भाग 89, ये चला जाएगा इससे 79 बार। अब दोषपूर्ण 11 बराबर है 79 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 800 869। आगे देखिए स्टूडेंट्स, तीसरा क्वेश्चन। एक व्यक्ति त्रिकोणीय क्षेत्र के विमान के साथ 25 किलोमीटर प्रति हावर, 75 किलोमीटर प्रति हावर और 150 किलोमीटर प्रति हावर की गति से एक समभुज त्रिकोणीय क्षेत्र की यात्रा करता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत गति, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत गति, औसत चाल के लिए उसकी चाल हो जाएगी, उसकी पूरी हो जाएगी 3d/25, d/25 पहली चाल, दूसरी चाल हो जाएगी d/75, तीसरी चाल हो जाएगी d/150, ये हो जाएगी 3 × 150 नीचे वाला आ जाएगा और इसका मूल्य हो जाएगा 6d + 2d + d, ये हो जाएगा 3d × 150/9d, ये इसे चला जाएगा 3 बार, ये 50 किलोमीटर प्रति आवर। आगे देखिए स्टूडेंट्स, चौथा क्वेश्चन। 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज के तहत राशि दोगुनी हो जाती है, कितने वर्ष में यह 248 गुना हो जाएगी। 3 वर्ष में कितनी गुना हो रही है, 2 गुना, तो 2048 गुना कितने वर्ष में होगी, तो 2 की 11 घात है, तो ये 11 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 33 साल में। आगे देखें स्टूडेंट्स, पांचवा क्वेश्चन। सरल कीजिए 864 भाग, तो 864 भाग, पहले अंदर वाला हल कर लेते हैं। अंदर वाला होगा 3/4 × 16/15 − 2/3, तो 3 से ये 5 बार 4 से 4 बार, 4/5 − 2/3, इसका आ जाएगा एलसीएम 15, 4 × 12 − 10, 2/15, ये 2/15, ये हो जाएगा 864 × 15/2, 2 से चला जाएगा ये 432 बार, 432 को 15 से मल्टीप्लाई करने पर आएगा 6480। आगे देखें स्टूडेंट्स, छठवां क्वेश्चन। शिला सामान्य गति से एक निश्चित दूरी 13/14 पर चलती है और सामान्य समय से 8 मिनट अधिक लेती है, 13 की जगह कितने पर चल रही है, वो 14 पर। 1 यूनिट बराबर कितना मिनट का समय लग उसको अधिक लगता है, 8 का। तो सामान्य गति 13
इंटू आठ, 13 इंटू आठ 104 मिनट, 104 मिनट। आगे देखें स्टूडेंट सातवां क्वेश्चन, सरल कीजिए 1/16, 1/16 भाग में है तो ऊपर चला जाएगा, 16 इंटू 16 इंटू 16 इंटू 16, 16 से 16 चल जाएगा, 16 का क्यूब, 16 का क्यूब होता है 4096। आगे देखें स्टूडेंट्स आठवां क्वेश्चन, जब 3753 की दर पर बेचा गया एक लेख हानि के मुकाबले 11% अधिक लाभ अर्जित करता है, 11% अधिक लाभ अर्जित करता है, तो वही लेख 1432 की दर पर बेचा गया तो कितने का लाभ होगा, तो 3753 माइनस अक्स बराबर अक्स माइनस 1432 इंटू 11% अधिक 111/100, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 3053 से, 3753 के आगे 20 माइनस 100 अक्स बराबर 111 अक्स माइनस 1432 से 111 से मल्टीप्लाई होगा तो 1589 ये हो जाएगा 211 अक्स बराबर, ये उधर चला जाएगा माइनस का हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5534252 अक्स बराबर इसका भाग चला जाएगा तो आ जाएगा 2532। आगे देखिए स्टूडेंट्स नौवां क्वेश्चन, सरल कीजिए रूट 2401, 2401 होता है 49 का, तो ये हो जाएगा 4.9 प्लस 90025, 90025 होता है 95 का, 9.5 प्लस 9.5 तो ये हो जाएगा 5×10 और 9×19 का 9 हासिल की 1 और 1×10 = 19, 19 = 4 23.9। आगे देखें स्टूडेंट दसवां क्वेश्चन, उन दो संख्याओं के उत्पादों का पता लगाएं जिनका एलसीएम 120 और एचसीएफ 13 है, तो उत्पाद होता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल हो जाएगा 120 इंटू 13, तो 120 इंटू 13 हो जाएगा 1560। आगे देखें स्टूडेंट्स ग्यारहवां क्वेश्चन, एक वर्गाकार ग्लास के टुकड़े का क्षेत्रफल 1024 सेंटीमीटर स्क्वायर है जिसे एक मेज के शीर्ष पर रखा गया, मेज के किनारों और कांच के टुकड़े के बीच की चौड़ाई 9 सेंटीमीटर चौड़ा है, तालिका की लंबाई ज्ञात कीजिए, 1024 तो ए स्क्वायर बराबर 1024 ए बराबर हो जाएगा 32, ए बराबर हो जाएगा 32, तो एक मेज अपन पूरी मान लेते हैं, ये हो जाएगा इसकी 32, ये इधर हो जाएगा 9 और इधर भी 9, ये हो जाएगा 32, तो उसकी लंबाई हो जाएगी 32 प्लस 9 प्लस 9 18 और 32 50। आगे देखें स्टूडेंट्स बारहवां क्वेश्चन, एक बॉक्स में 8, 7 और 6 के अनुपात में 3 अलग अलग प्रकार के पुराने सिक्के हैं, कितने 8 अनुपात 7 अनुपात 6, 1 रुपया 5 रुपया और 10 रुपया, 1 रुपये के कितने 8 तो 8 रुपया, 7×5 = 35 रुपया और 60 रुपया, इन सबका मूल्य हो जाएगा 60 और 35 95 और 8 हो जाएगा 103, टोटल रुपया कितना है 1133/103, ये इससे चला जाएगा 11 बार, तो किसका पूछा है 5 रुपये के, 5 रुपये का अनुपात में कितना था 7×11 = 77 सिक्का हो जाएगा। आगे देखें स्टूडेंट्स 13वां क्वेश्चन, हकीम क्रिप्टो और
गणेश के वेतन 3:5:7 है। हकीम, क्रिप्टो और गणेश का 3:5:7 है। गणेश को हकीम से, गणेश को हकीम से 784:1 में कितना अधिक मिल रहा है? 4 अधिक। 784 में 4 का भाग देते हैं, 4 × 4 = 2, 4 × 7 = 28, 4 × 4 = 171। क्रिप्टो का वेतन कितना है? 5। 171 × 5, 5 × 5 = 5, 5 × 7 = 35 का 5 हासिल की 3, 5 × 3 = 8, 855 रुपया। यह हो गया क्रिप्टो का। आगे देखें स्टूडेंट्स 14वां क्वेश्चन। एक बॉक्स में 109 नोटबुकों का औसत वजन 110.9 की ग्राह है, तो 109 × 10.9, 109 का स्क्वायर करने पर आ जाएगा 1188.1 केजी। जब एक नया नोटबुक और जोड़ा जाता है तो इनका 11 किलोग्राम होता है, तो 110 × 11, तो ये हो जाएगा 1210 केजी। तो नए नोटबुक का तो 1210 में से 1188.1 चला जाएगा, तो यह आ जाएगा 21.9 केजी। आगे देखें स्टूडेंट्स 15वां क्वेश्चन। विमल ने फ्रेंच में 80 में से कितने अंक? 76 से। अंग्रेजी में से 100 में से 94, स्पेनिश में से 70 में से 50, और जापानी में 50 में से 47। तो 6, 4, 10, 7, 17 का 7 हासिल की 1, 9, 1, 10, 10, 7, 17, 17 और 5, 22, 22 और 4, 26। ये हो जाएगा इधर 0, 8 और 7, 15, 15, 5, 20, 0 हासिल की 2, 2 और 1, 3, 267 अंक प्राप्त किए हैं, कितने में से? 300 में से, इंटू 100, 20 से 20, 3, 3, 8, 24, 2, 3, 9, 27, 89%। आगे देखें स्टूडेंट्स 16वां क्वेश्चन। 8% प्रतिवर्ष की दर पर साधारण ब्याज के तहत 6,400 का निवेश किया जाता है, यदि 5 वर्ष बाद राशि निकाल ली जाती है और कुल राशि का आधा शेयर में निवेश किया जाता है, तो शेयर का पता लगाइए। तो मूलधन 6,400 इंटू दर गुणा समय बटा 100, तो ये हो जाएगा 8×5 = 40। ये 20 से 20, 8×5 = 40 × 64 × 40, ये हो जाएगा 2560, और मूलधन कितना था? 6,400, 06549 28, 8,960 पूरी राशि थी, इसमें आधा, तो इसका आधा हो जाएगा, 2 का भाग देंगे तो 4480, 4,480। आगे देखें स्टूडेंट 17वां क्वेश्चन। एक व्यक्ति हॉस्टल से कॉलेज तक एक व्यक्ति हॉस्टल से कॉलेज तक 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से साइकिल चलाता है और 15 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से साइकिल चलाता है तो वह 15 मिनट जल्दी पहुंचता है छात्रावास और कॉलेज के बीच की दूरी। तो 75 किलोमीटर × 150 किलोमीटर / एक्स माइनस वाई, अंतर कितना हो जाएगा? 5 इंटू समय हो जाएगा 15 × 15 = 30 मिनट का, एक घंटे में कितना मिनट होता है? 60, तो ये चला जाएगा इससे 2 बार, ये 75 से 75, 2 से ये चला जाएगा 75 बार, 75 किलोमीटर। इसका फॉर्मूला होता है एक्स
अक्ष इंटू वाई बटा अक्ष माइनस वाई इंटू समय। आगे देखें स्टूडेंट्स 18वां क्वेश्चन, विक्की और राकेश द्वारा 1000 किमी की दूरी तय करने में लगने वाला समय का अनुपात कितना है? विक्की और राकेश द्वारा 43:41, उनकी गति का अनुपात चाल का अनुपात हो जाएगा 41:43। आगे देखें स्टूडेंट्स 19वां क्वेश्चन, अमीर ने चार बच्चों के बीच 700 उपहार बांटे, पहले बच्चे का हिस्सा, तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहले बच्चे का हिस्सा दूसरे का 2 गुना, तीसरे बच्चे का हिस्से का 3 गुना तथा चौथे बच्चे का हिस्से का 4 गुना। तो चौथे बच्चे का हिस्से का 4 गुना हो जाएगा, ये इसका 3 है तो इसका 4 गुना 4 = 12। तीसरे बच्चे के हिस्से का 3 गुना तो ये हो जाएगा 4 × 3 = 12। पहले बच्चे का हिस्से का 2 गुना तो ये हो जाएगा 6। कितने उपहार थे? पूरे 700। ये इसका पहले का, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का अनुपातों का योग 6 × 4 = 10, 10 × 10 और ये हो जाएगा 22, 22 × 3 = 25, 25 ये चला जाएगा इससे, 2, 25 × 2 और ये 2 इससे चला गया और 8, 28। तो पहले बच्चे और दूसरे बच्चे द्वारा प्राप्त उपहारों का योग 12 × 6 = 18, 28 × 18 कितना हो जाएगा 504। आगे देखें स्टूडेंट्स 20वां क्वेश्चन, एक ट्रेन 238 मीटर लंबाई के पुल को पार करने में 49 सेकंड का समय लगाती है और एक साइन बोर्ड को पार करने में केवल 15 सेकंड का, तो 49 − 15 = 34। तो 238 भाग 34 × साइन बोर्ड को पार करने में कितना 15 सेकंड, तो ये चला जाएगा इससे 7 बार, 15 × 7 = 105 मीटर की ट्रेन है। आगे देखें स्टूडेंट्स 21वां क्वेश्चन, तनाव की ऊंचाई क्या है यदि तिरछी 19 सेंटीमीटर के घन को पिघलाया और डाला जाता है, घनाभ की लंबाई की भुजा के बराबर और चौड़ाई बराबर है, इसका घन का आयतन हो जाएगा 1³ = घनाभ का लंबाई, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, तो 1³ बराबर हो जाएगा 19 × 19 × 19 = घनाभ की लंबाई घन की भुजा के बराबर, तो घन की भुजा 19 और इसकी चौड़ाई हो जाएगी 9.5 और ऊंचाई ज्ञात करना है, 19 से 19 चला जाएगा, 9.5 से ये चला जाएगा 2 बार, h = 38 सेंटीमीटर। आगे देखें स्टूडेंट्स 22वां क्वेश्चन, 12 × 4² × 1/1728² × 12 + 24, तो ये हो जाएगा 12 की घात 4 होती है, 1/1728² × 12 + 24, तो ये हो जाएगी 1728 ये तीनों का स्क्वायर इंटू, इसका स्क्वायर हो जाएगा 144 × 1/1728² × 12 + 24, तो ये चला जाएगा 144 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1728 + 24,
1728 में 24 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1752। आगे देखिए स्टूडेंट्स 23वां क्वेश्चन, एक दुकानदार ने लागत मूल्य पर 40% अंक के रूप में जोड़ा हुआ बिक्री मूल्य पर फिर 40% की छूट देता है। 40% मतलब 100 से कितना कर दिया 140 और फिर 40 की छूट, 100 से कितना कम कर दिया 60, 100 से 60 तो ये हो जाएगा 10,000 माइनस 14 × 6, 6 × 4 = 24, 80 × 2, 6 × 6 = 8, 8,400 कितने की हानि हुई 1600 की, कितने पे 10,000 पे इंटू 100, 3 जीरो से 3 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 16% की हानि। आगे देखें स्टूडेंट्स 24वां क्वेश्चन, जब किसी संख्या को 144 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 14 बचता है, तो अक्ष को 114 से विभाजित किया जाता है तो कितना बचता है 14, तो अक्ष बराबर 14 और 14 128, तो 128 को 19 से विभाजित किया जाता है तो 128 को 19 से विभाजित किया जाता है तो 14 शेषफल बचेगा। आगे देखें स्टूडेंट्स, एक दुकानदार 1863 की दर से उत्पाद बेचता है और 12.5% का लाभ कमाता है, 12.5 का मान होता है 1/8, मतलब 8 से 9 में बेच रहा है, 1863/9 × 8 तो लागत मूल्य के आधे के बराबर, तो आधा हो जाएगा इसका, ये तो 4 से ला जाएगा, 9 से 9 × 18, 9 × 63 = 63, 207 × 4 हो जाएगा 828। आगे देखें स्टूडेंट्स 26वां क्वेश्चन, 2 वर्ष के लिए ब्याज की समान दर पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के तहत निवेश की गई राशि पर अर्जित ब्याज के बीच का अंतर 52 है और ब्याज की दर 4%, तो ब्याज एस आई हो जाता है 4%, 2 साल का 8, और सी आई होता है 8.16%, अंतर कितना है 52 का, प्रतिशत में कितने का अंतर है 0.16 का इंटू 100, पॉइंट जाएगा और आ जाएगा 100, पॉइंट जाएगा आ जाएगा 100, तो 4 से ये 13 बार, ये 4 से 4 बार, 4 से ये 25 बार, 25 × 13, 25 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 को 13 से 300, 25 × 100 32,500। आगे देखें स्टूडेंट्स 27वां क्वेश्चन, स्टेशन मास्टर का फैसला है कि आयताकार डिजिटल बोर्ड की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 11, 11 और 11 की कमी होनी चाहिए, 11 और 11 की कमी, तो 11 और 11 की कमी हो जाएगी 11 − 11 − 11 × 11/100, तो ये इससे चला जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा −121/100, −1.21 की कमी। धन्यवाद स्टूडेंट्स, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा।